नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देश में मॉनसून के कुछ झोंकों से ही लोग बेहाल हो गए हैं। कहीं कहीं पानी की मनमानी हो रही है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में हर तरफ लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार से लेकर पहाड़ तक और यूपी से लेकर गुजरात तक बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम आपको यूपी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है यहाँ पर, और ये तस्वीर पीलीभीत से आई हुई है। घर, दुकान, मकान, दफ्तर, सड़क सब पानी में डूबे हुए हैं। इस पानी ने बड़े छोटे, अफसर और कर्मचारी, अमीर गरीब सबका फर्क मिटा दिया है। बड़ी से बड़ी गाड़ियां आधी पानी में डूब गई हैं। पानी का आलम यह है कि कोई हिम्मत दिखाने की स्थिति में नहीं है। शहर का ये हाल है तो सोचे जो इलाके नदी के किनारे हैं उनकी स्थिति क्या होगी। चारों तरफ पानी ही पानी है, सड़कें टूट गई हैं और जो बची हैं वो पानी में डूब गई हैं। और लोगों को रेस्क्यू कराने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और मुसीबत सिर्फ पानी की नहीं है, पानी के साथ मगरमच्छ भी घरों में बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस रहे हैं। अब इस वीडियो को ही आप देख लीजिए। नदी के पानी के साथ छोटा मगरमच्छ एक घर में घुस आया और ऐसी कई घटनाएं इस इलाके में हुई हैं। वन विभाग की टीम इसी काम में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर में क्या हुआ है आपको हम वो भी दिखा देते हैं। इस मुसीबत की वजह बाढ़ नहीं है, बल्कि बुलंदशहर में ये मुसीबत बारिश के पानी की वजह से आई है। ये बस पानी में फंस गई है और बस में बैठे बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाद में पुलिस और नगर पालिका की टीम पहुंची तो जेसीबी की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इन तस्वीरों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तंज कसते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश का हाल सुनो बच्चों की जुबानी, यूपी की सड़कों पर भरा है पानी। कई सालों से दोहराती यही कहानी, ऐसे हालत में बस कैसे आनी जानी। अब इस दूल्हे को देख लीजिए, शादी के लिए क्या क्या अरमान सजाए होंगे, लेकिन बारिश और बाढ़ ने ऐसा कर दिया कि कार की जगह नाव पर सवार होकर शादी के लिए जाना पड़ा। तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थ नगर की हैं। बाढ़ की वजह से गांव टापू बना हुआ है और आने जाने के लिए नाव का ही सहारा है। अब अगले वीडियो की तरफ चल लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के पानी का संकट मंडरा रहा है लोगों पर। हाल ये है कि छत पर खाना बन रहा है और पानी के लिए बकायदा छत से बाल्टी को नीचे गिराया गया है। लखीमपुर खीरी में बनवासा बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से नदी गांव से बहने लगी और लोग छत पर शरण लेने को मजबूर हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।